हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मैं हूं रामबली सौ। डियर फ्रेंड्स, आज इस लेसन में हम सीखेंगे मैरी ऑफ का प्रयोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मैरी ऑफ, डियर फ्रेंड्स ये मैरी ऑफ ये एक फ्रेजल वर्ब है और ये सेपरेबल और इनसेपरेबल दोनों ही है। सेपरेबल और इनसेपरेबल दोनों ही है। तो कहने का मतलब यह है कि आप इसको मैरी ऑफ समवन टू समवन, मैरी ऑफ समवन टू समवन कर सकते हैं, या फिर मैरी समवन ऑफ टू समवन कर सकते हैं, मैरी समवन ऑफ टू समवन कर सकते हैं। ओके, और इसका प्रयोग तब होता है जब आपको कहना हो कि किसी से किसी की शादी कर देना। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तब आपको इस मैरी ऑफ का प्रयोग करना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब ज्यादा जानकारी के लिए इसका कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिसके माध्यम से आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ओके, देखिए, ही वॉन्ट्स टू मैरी ऑफ हिज डॉटर टू अ डॉक्टर। वह अपनी बेटी की शादी एक डॉक्टर से करना चाहते हैं। वह अपनी बेटी की शादी एक डॉक्टर से करना चाहते हैं। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो सेंटेंस है ये इनसेपरेबल है। ओके, आप चाहे तो इसको सेपरेबल भी कर सकते हैं। अगर करते हैं तो इस तरह का होगा, ही वॉन्ट्स टू मैरी हिज डॉटर ऑफ टू अ डॉक्टर, इस तरह का होगा। ओके, तो चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं। माय पेरेंट्स मैरिड मी ऑफ टू अ पुअर गर्ल। मेरे मां बाप ने मेरी शादी एक गरीब लड़की से कर दी। मेरे मां बाप ने मेरी शादी एक गरीब लड़की से कर दी। ओके, तो देखिए ये जो सेंटेंस है ये सेपरेबल है। ओके, मैरिड मी ऑफ। ओके, तो चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं। आई नेवर वांटेड टू मैरी ऑफ माय डॉटर टू एन अनएजुकेटेड पर्सन। मैं अपनी बेटी की शादी एक अनएजुकेटेड लड़के से कभी नहीं करना चाहता था। मैं अपनी बेटी की शादी एक अनएजुकेटेड पर्सन से कभी नहीं करना चाहता था। ओके, तो चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं। सी डजंट वांट टू मैरी हिज सन ऑफ टू हिज गर्लफ्रेंड। वह अपने लड़के की शादी उसकी गर्लफ्रेंड से करना नहीं चाहती है। वह अपने लड़के की शादी उसकी गर्लफ्रेंड से करना नहीं चाहती है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। He has married off all of his sons. उसने अपने सारे लड़कों की शादी कर दी है। उसने अपने सारे लड़कों की शादी कर दी है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। Whom do you want to marry off your niece to? तुम अपनी भतीजी की शादी किससे करना चाहते हो? तुम अपनी भतीजी की शादी किससे करना चाहते हो? ओके, ये एक इंटरगेटिव सेंटेंस है। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। वी विल नॉट मैरी रोहन ऑफ टू राधिका। हम रोहन की शादी राधिका से नहीं करेंगे। हम रोहन की शादी राधिका से नहीं करेंगे। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स इस लेसन का लास्ट वन देखते हैं। इफ यू वर्क वेल आई विल मैरी ऑफ यू टू हर। अगर तू अच्छा काम करेगा तो तेरी शादी उससे करूंगा। अगर तू अच्छा काम करेगा तो तेरी शादी उससे करूंगा। ओके, सो फ्रेंड्स ये था ऑफ का, मैरी ऑफ का प्रयोग।
किसी से किसी की शादी कर देना के अर्थ में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सो फ्रेंड्स, तो चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं स्टार्ट हो जाता हूं। होपफुली अब तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि इस मैरी ऑफ का प्रयोग आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो सबसे पहले आप इसका प्रैक्टिस करें और जब इसकी सिचुएशन आए प्रयोग करें। ओके, सो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट भी करें वीडियो कैसी लगी। और जो भी आपकी तरह इंग्लिश सीखने में इंटरेस्ट है उनके साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसी वक्त इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब के पास जो बेल के आइकन है उस बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हमारी हर वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना। फिर मिलेंगे अगले लेसन में। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कीप वाचिंग माय वीडियोस एंड कीप लर्निंग इंग्लिश। थैंक यू।